फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी आपकी फेवरेट समोसे कचौड़ी सब पे भारी है। कम तेल में बनी ये रेसिपी, अगर आपने एक बार बना के खा ली तो सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसको बनाने के बहाने ढूंढा करेंगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो इस यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हरी मटर के दाने, बिल्कुल फ्रेश मटर है ये। और अगर मैं आपको नाप से बताऊं तो ये 1.5 कप मटर है, इसको मैंने धो लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, इसको छिलका उतार के इस तरह से कट कर लिया है, वॉश कर लिया है, वो ऐड कर देते हैं। साथ ही मैंने लिए हैं इसमें 10-12 लहसुन की कलियाँ। इन केस अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। और अब इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छी खुशबू ऐड करने के लिए मैंने इसमें डाल दी है 1 छोटी चम्मच सौंफ, और इसके साथ ही ऐड कर देते हैं 1 कप पानी, थोड़ा नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से। और अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, अभी तक ऑन नहीं किया था, अब ऑन कर दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक सब जगह मिक्स हो जाए। और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको कवर कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे तब तक जब तक कि ये जो आलू है और मटर है ये अच्छे से गल ना जाए। तो जब तक ये हो रहा है, आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप चावल का आटा। ये सब चीज़ें आप नाप से ही लीजिएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इसके अच्छे से फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच शाही जीरा। अगर ये आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। साथ ही थोड़ा नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। इसमें हम कोई आटा या मैदा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी, तो जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमको पानी लेना है, यानी कि मैंने इसमें 1.5 कप पानी लिया है। और ध्यान रखिएगा, पानी हमें खौला हुआ ही ऐड करना है, यानी कि बिल्कुल गर्मा गर्म पानी इसमें हम डालेंगे। और डाल के इसको बस फटाफट से एक मिक्स दे देते हैं, ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। और ये देखिए ये हो गया है, तो बस इसको कवर करके साइड में रखते हैं और फटाफट से मटर चेक कर लेते हैं। तो ये देखने से तो लग रहा है कि ये गल गई है, एक बार आलू भी चेक कर लेते हैं। देखिए आलू जो है अच्छे से प्रेस हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से गल चुका है, सारी चीज़ें गल गई हैं, लेकिन मुझे इसमें दिख रहा है पानी और हमें पानी नहीं चाहिए। तो फ्लेम को मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ और इस पानी को सुखा देंगे। तो देखिए अभी आधे मिनट में के अंदर ही सारा पानी जो है वह एब्जॉर्ब हो चुका है, तो बस अब गैस बंद कर देते हैं नहीं तो ये लगने लगेगा। इसको मैंने निकाल लिया है एक बोल में, और अब लिया है मैंने यहाँ पे ये मैशर, तो इससे ना इसको अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। और ये जो मटर के दाने हैं इनको बहुत ज़्यादा मैश करने की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मुंह में आएंगे ना दाने तो ये बहुत ही अच्छा सा स्वाद देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको मैश कर लिया है, कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा इसका। 1/2 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा, नॉर्मल वाला जीरा यूज़ किया इस बार। और उसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ही बढ़िया स्वाद देने के लिए चाट मसाला, 1 चम्मच भर के डालिएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 2 छोटी चम्मच डाल देते हैं इसमें धनिया पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हाथ से, स्पून से, जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरह से इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और नमक तो हमने पहले ही डाला था, चाट मसाले में भी होता है, बट तब भी इसको मिक्स करने के बाद एक बार आप टेस्ट जरूर कर लीजिएगा इस नमक को। और ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग है ये, मतलब इसको आप ऐसे चखेंगे मन करेगा ऐसे ही सारे खा जाएं, लेकिन हमको आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है। तो ये देखिए चावल के आटे पे मैं वापस आ गई हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गर्म पानी डाला था ना पूरा फूल गया है, तो इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के हम तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका एक बढ़िया सा डो हमने लगा लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है ये 1 टेबल स्पून, इसकी हेल्प से क्या करेंगे कि इसके इस तरह से नींबू से थोड़े से बड़े साइज़ के एक लोई जैसा तोड़ लेंगे और उसको इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो ये लड्डू जैसा बना लिया है, और अब इसमें इस तरह से कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, मतलब गड्ढा टाइप कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि आपके हाथ में चावल का आटा चिपक रहा है ना, तो आप हाथ में पानी लगा लीजिएगा, नहीं चिपकेगा। और अब इसमें रख दी है मैंने ये स्टफिंग, और बस इसको दबाते हुए चारों ओर से इस तरह से कर देंगे बंद। तो बिल्कुल आसान है, जिस तरह से हम आलू का पराठा स्टफ़ करते हैं बस कुछ वैसा ही प्रोसेस है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको डीप फ्राई वगैरह नहीं करने वाले, तो कोई भी क्रैक्स वगैरह रह जाएं तो उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि तेल में जाके वो खुल जाएगा, फट जाएगा, ऐसी कोई टेंशन है ही नहीं। तो कोई क्रैक रहते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम सारे बना के रेडी कर लेंगे, और ये लग रहे हैं जैसे नारियल के या चावल के आटे के लड्डू बनाए हैं हमने, है ना। चलिए हम आगे प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं। तो इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अप्पे पैन, कम तेल में बना रहे हैं, बस 2-2 बूंद तेल सब जगह डाल देते हैं, और इसको ब्रश से चारों तरफ मैं फैला देती हूँ, और एक एक करके ये जो हमने लड्डू जैसे बॉल्स बना रखे हैं ये इसमें अरेंज कर देंगे।
बढ़िया, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेकेंगे और इसमें चारों तरफ से इसको पलट पलट के सेकते जाएंगे और साथ के साथ ऑयल भी लगाते जाएंगे। तो ऊपर से इस तरह से ऑयल ब्रश करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि ये अच्छे तरीके से अच्छा कलर आएगा इस पर और इसका स्वाद भी बढ़ेगा। तो इस तरह से घुमाते जाएँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएँ और इसको सेकते जाएँ, इससे बहुत बढ़िया सा स्वाद आएगा। ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि आपको फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है और इसकी जो स्किन है बाहर वाली ना, वो काफ़ी क्रिस्पी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो कलर है वो ऐसा ही गोल्डन रखना है हमको, इससे ज़्यादा डार्क कलर मत करिएगा क्योंकि हमें इसको क्रिस्पी बनाना है, हार्ड नहीं। अगर आप ज़्यादा सेकेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा बाहर से, तो हमें हार्ड नहीं करना है, क्रिस्पी करना। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, ये जितना टेम्पटिंग देखने में लग रहा है ना खाने में, मतलब आप बस प्लेट भर भर के खाते चले जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये बहुत ही आसान है और बिल्कुल कम तेल में बना है। मतलब कचौड़ी वगैरह जो हम खाते हैं उसमें कितना ऑयल होता है। तो दोस्तों अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ जल्दी से अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।